हेलो एवरीवन, हेलो वेज किचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज आप देखेंगे ड्रैगन फ्रूट को कैसे छीला जाता है और इसका कैसे जूस तैयार किया जाता है। यहाँ मैंने ले लिया है एक ड्रैगन फ्रूट। भारत में ड्रैगन फ्रूट को कमलम फल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ड्रैगन फ्रूट को कट करेंगे, तो इसका हम ऊपर और नीचे का पोर्शन कट कर लेंगे। ड्रैगन फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ड्रैगन फ्रूट की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन गर्मियों में किया जाता है। ये देखिए, इसके हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड का पोर्शन कट कर लिया है। यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको काटना बहुत ही आसान है। अब हम चाकू की हेल्प से इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको कॉर्नर से पिंक वाले छिलके को पकड़ते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे, तो ये बहुत ही इजीली छिलका निकल जाएगा और अंदर का जो वाइट वाला पोर्शन है, इसका हम जूस तैयार करेंगे। या इसको आप ऐसे ही काट के भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना इजीली अंदर का फ्रूट निकल गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये लीजिए, अब हम इसको कट करेंगे। इसको हम चाकू से बहुत ही इजीली इस तरह से कट कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट हमारे आंतों की सफाई करने में भी मदद करता है। इसको आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए, ड्रैगन फ्रूट हमारा कट के तैयार है। अब हम इसका जूस बनाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे एक मिक्सी का जार और ये जो भी फ्रूट हमने कट किया है ये इसमें डाल देंगे। जितना जूस आपको तैयार करना है आप अपने फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा फ्रूट ही ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नींबू का रस। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वान्टिटी में पानी की मात्रा होती है। तो लीजिए, ड्रैगन फ्रूट को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम गिलास में डाल देते हैं। ये देखिए, एक गिलास जूस का तैयार है। अब इसमें से हम एक पीस ड्रैगन फ्रूट का लेंगे और गिलास पे इस तरह से लगा देंगे, जिससे कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ड्रैगन फ्रूट का जूस तैयार है। आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं की है और यह पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।